द फ्रीलांसर इस वेब सीरीज के पहले के चार एपिसोड सितंबर 2023 को ही रिलीज कर दिए गए थे तभी ये कन्फर्म हो गया था कि इस सीजन के सभी एपिसोड दो पार्ट में रिलीज होने वाले हैं। कल 15 दिसंबर को इस सीजन के दूसरे पार्ट के बचे कुचे तीन एपिसोड भी रिलीज किए गए है द फ्री लांसर ये वेब सीरीज डिजनी प्लस हॉटस्टार पे दिखाई जा रही है वैसे तो बहुदुलिया इस वेब सीरीज के मेन डायरेक्टर है लेकिन नीरज पांडे की देखरेख के, देखरे के तले ही इस वेब सीरीज का काम आगे बढ़ रहा है पहले पार्ट में ये दिखाया है कि फ्रीलांसर यानी कि अविनाश कामत अपने दोस्त की बेटी को बचाने के लिए भारत आ चुका है लेकिन इनायत खान की बेटी यानी कि आलिया को उसके ससुराल वाले धोखे से सीरिया ले गए हैं, जहा वो आयसाई के कब्जे में अटक के रह गई है आगे की कहानी में वो आले से किस तरह से कांटेक्ट करता है और आजू बाजू की परिस्थिति में खुद को कैसे बचा के रखना है वो बताता है किस तरह से आईसी इस संगठन का काम चलता है और किस तरह से लोगों को बहुत ही सावधानी से मैनुपलेट किया जाता है किस तरह से जिहादी आत्मघाती हमलावर बनाए जाते हैं किस तरह से उन्हें सोशल मीडिया पे मेंटली गुमराह किया जाता है ये सभी बातें थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन ठीक से दिखाई गई है द फ्रीलांसर के दूसरे पार्ट के आखिरी के तीन एपिसोड में आलिया का सीरियस से एक्सट्रेस दिखाया गया है हालांकि ये क्यों और कैसे होता है ये वेब सीरीज में देखना ही बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है द के 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 पहले पार्ट पार्ट चार एपिसोड एपिसोड मायने दूसरे तीन बहुत ही हल्के और सादर से लगते हैं द फ्रीलांसर के आखिरी एपिसोड में जिस तरह से क्लाइमेक्स को दिखाया गया है सच में आप जबरदस्त तरीके से रोमांचित होने वाले हो लेकिन पहले के दो एपिसोड में कहानी थोड़ी थोड़ी सी खींची हुई सी नजर आती है फ्रीलांसर यानी कि अविनाश कामत के निजी जिंदगी के कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे पन्ने खुल जाते हैं जिससे आप जरूर में शौक से रह जाओगे और इसी के साथ साथ डॉक्टर खान से उसकी कैसे मुलाकात हो जाती है इसके ऊपर से भी पर्दा उठ जाता है पहले पार्ट में दिखाया गया है कि आलिया को निकालने के लिए कामत किस तरह से सीआई की मदद ले लेता है और बदले में वहाँ के आतंकवादी संगठन के कुछ सीकृत सीआई को दे देता है आलिया से मिले स्टॉप सीक्रेट के आधार पर सियाह उस जगह के ऊपर ड्रोन से हमला करने की योजना बनाता है आगे की कहानी में किस तरह से सियाए अपनी बातों से ही पलट जाती है तब तो अविनाश आलियो को सीरिया से बाहर निकालने में वक्त मिलने के लिए सियाई के ऊपर भारतीय गुप्तचर संस्था के द्वारा किस तरह से दबाव बनाता है ये दिखाया गया है तब तो फिर आंसर के पहले के चार एपिसोड सच में आपको रोमेंच के आखिरी हद तक ले जाते हैं लेकिन आखिरी वाले तीन एपिसोड अगर रोमेंच की नजर से देखने को जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी तो निराशा देखने को मिलेंगी ही लेकिन जिस तरह से क्लाइमैक्स को शूट किया गया है ऐसा कि गिरफ्त से आलियों को निकालने की प्लानिंग दिखाई गई है सच में काबिल तारीफ है हालांकि कहानी का ये हिस्सा आपको थोड़ा फिल्मी लग सकता है क्रिया में ऐसा के ठिकाने तक पहुंचना जितना संवादों में मुश्किल से दिखाई दे रहा है लेकिन सिंह द्वारा जितना टेंशन बिल्डअप होना चाहिए था उतना वो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है हालांकि इन सभी के बीच में एक ट्विस्ट आ ही जाता है जो तो थोड़ी बहुत कमियां निकल कर आई है उन्हें पूरा करते हुए आपको पूरी तरह से रोमांचित कर देता है यहाँ पे सोने पे सुहागा जैसी बात बन जाती है अभिनय के मामले में अगर अविनाश कामत का किरदार देखा जाए तो मोहित रैना ने बहुत बड़े अभिनय किया है उनके बॉडी का वो रियल कमांडो की तरह दिखने वाला फिजिक्स अविनाश कामत के इस किरदार के लिए सही सही साबित होते हैं और अब कहीं जाके उनके ऊपर जो भगवान महादेव के किरदार का प्रचंड प्रेशर था वो कहीं पे तो इस वेब सीरीज में रिलीज हो रहा है ऐसा लगता है सीरीज के आखिर वाले एपिसोड तक अविनाश कामत के किरदार का और सीरीज का पूरा भार उनके मजबूत कंधों पे टिका हुआ देखने को मिलता है और यही बात इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है डॉक्टर खान के किरदार में अनुपम खेर की मौजूदगी आपको दमदार लग सकती है और वेब सीरीज की कहानी को टाइम टू टाइम आगे पुश करने वाली भी लगती है आल्य के किरदार में कश्मीर पर दिशी इस अभिनेत्री के अभिनय की विविधता देखने को मिली है आलह के किरदार में कुछ नए से ट्विस्ट जोड़े गए हैं। इसी कारण से कश्मीरा के अभिनय में एक धार धारसी देखने को मिली है आलिया के पति मोहसिन के किरदार में नवनीत मलिक भी बड़े अभिनय करते हुए दिखाई देते हैं दहशतवादी संगठन किस तरह से काम करता है किस तरह से वो लोगों को मैन्युपुलेट करते हैं आज भी हमारे देश में इन बातों को किस तरह से नजरअंदाज किया जाता है और ऐसी महत्वपूर्ण बातों के प्रति ये वेब सीरीज लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रही है ऐसी बहुत सारी कहानियों की मदद से ही लोगों को सच बताया जा सकता है आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताना मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई वेब सीरीज के साथ में तब तक के लिए नमस्कार